जी स्टूडेंट, फिजिक्स की फोर्स एंड मोशन की चैप्टर में से आज हमने करना है एक एमसीक्यू, जिसमें कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग कार विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स डिसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 30 मीटर, ऑप्शन बी है 34 मीटर, ऑप्शन सी 16 मीटर है, जबकि ऑप्शन डी 26 मीटर है। तो जी स्टूडेंट, सिंपल से फार्मूला है, इसके लिए हमने यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, क्योंकि हमने मालूम करना है डिस्टेंस को। लेकिन अगर आप देखोगे स्टेटमेंट में हमें जो है वीएफ की वैल्यू नज़र नहीं आ रही, और जब भी वीएफ की वैल्यू नहीं दी गई हो, हमने यूज़ करना है फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ये इसके लिए इंडिकेशन है कि जब भी हमने डिस्टेंस को मालूम करना है और वीएफ की वैल्यू नहीं दी गई हो, तब हमने यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो चलो यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो जो है वो बराबर है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर जो है वी आई की वैल्यू हमारे यहाँ मौजूद है, वो है 15 मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे, टी की वैल्यू 2 है। तो आगे चलते हैं, वी आई 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाफ अपनी जगह, और ए अगर आप देखोगे यहाँ पर डिसेलरेट हो रही है, इट मीन दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू जो है वो है 2। तो यहाँ पर हमने माइनस 2 लिखना है, माइनस 2, और इस तरह टी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, टी की वैल्यू 2 है तो इधर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये 2 इस 2 के साथ कट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 30, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 और 2 कट हो गई है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर इधर 4 आ जाएगा, तो 30 माइनस 4 दैट विल बी 26 मीटर। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमने ये सीखा कि जब भी वीएफ की वैल्यू नहीं दी गई हो और हमने डिस्टेंस को मालूम करना है, तो हमने यूज़ करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। शुक्रिया।